साहस सरोकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। राजधानी लखनऊ में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें मोहनलालगंज क्षेत्र में एक डेंगू पीड़ित की मौत हुई है और 24 घंटे में 46 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रशासन और शासन की तरफ से डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग और साफ सफाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। लगातार उन इलाकों का सर्वे किया जा रहा है जहाँ पर गंदगी होने के आसार दिख रहे हैं और उन घरों को नोटिस भी जारी की जा रही है जिन्हें मच्छर रहित पाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। रितेश, लगातार लखनऊ में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, एक मरीज की मौत भी हो गई है, क्या वजह है डेंगू इतनी तेजी से पैर पसार रहा है? कहीं भी घर में पानी जमा ना होने दें, पानी जमा होने से साफ पानी नहीं है, मच्छर जो डेंगू के हैं वो पनपते हैं, इसको लगातार हम लोग अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खामियां हो रही हैं, या तो निजी लोगों के खुद लोगों की तरफ से खामियां हो रही है या तो सरकार की तरफ से। तो खामियां का अगर देखा जाए तो इसका खामियां जो भुगत रहे हैं वो आम जनता भुगत रही है। साफ सफाई की जो व्यवस्था है आप हमारे पीछे कैमरे में देखी सकती होंगी, ये लखनऊ का पौश इलाका है, अलीगंज का पूरे का ढेर ये रोड पे लगा हुआ है, तो इस तरीके से गंदगी तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि गंदगियों का अंबार किस तरीके से यहाँ लगा रहता है पूरे लखनऊ में। जैसा कि अभी दो दिन पहले भी हम लोगों ने खबर पे ये चीज कही थी कि जिस तरीके से यहाँ पे गंदगियों का अंबार लगता चला जा रहा लगातार, तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय है। मच्छर जनित बीमारियों जो पैदावार होती है, जो मच्छर जो पैदा होते हैं ऐसी गंदगियों से, आज हम यहाँ पे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऐसी गंदी जगहों पे। ये लखनऊ का स्मार्ट सिटी जब आप देख सकते हैं, तो अभी जो हाल ही में एक मौत भी हुई है बताया जा रहा है लालगंज में, तो एक युवक है वो गुजरात के बड़ोदरा में कुछ कार्य करता था प्राइवेट कंपनी में, वहां से लखनऊ आया था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मयूर जी, रितेश आप दिखा रहे हैं तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। प्रशासन और शासन की तरफ से डेंगू के रोकथाम के लिए फॉगिंग और साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए हैं, तो भी लोग अपने आसपास सफाई नहीं रख रहे हैं, इस पर एक्शन कब लिया जाएगा? देखिए एक्शन लेना क्योंकि नगर आयुक्त को लगातार मंडल आयुक्त बीच में आप पहुंच रही है और जगह जगह जहाँ पर गंदगियों का अंबार है वहाँ निरीक्षण कर रही है लगातार पहुंच करके। निरीक्षण करने के बाद घरों का भी सर्वे किया जा रहा है, जहाँ गंदगी पाई जा रही है वहाँ पर नोटिस भी दिया जा रहा है। तो अभी कुछ एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। जिस तरीके से कूड़े का अंबार लग रहा है, लोग घर से निकलते हैं और कूड़ा निकाल के रोड पर ले जाकर के फेंक देते हैं, जबकि इको ग्रीन कंपनियां जो लगाई गई हैं कूड़ा उत्थान के लिए, उनको जगह जगह लगाया गया है कि वो घर घर जा करके और कूड़े की उत्थान करेंगे, लेकिन फिर भी नैतिक जिम्मेदारी लोगों की भी बनती है। सारी जिम्मेदारी सरकार पे ही थोप देना अच्छी बात नहीं होती है, कुछ जिम्मेदारी लोगों की खुद की भी होती है कि वो कूड़ा इस तरह से लेकर के आए और कूड़ा ला करके रोड पर डंप करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक गंदगियों का ये सबसे बड़ा नजारा आपको देखने को मिल जाएगा। और लेकिन ये जो मच्छर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ये काफी चिंताजनक बात है, बेहद मौतें भी हो रही, 46 नए केस आज मामले फिर आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 14,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं सरकारी आंकड़ों में। और निजी अस्पतालों की सर्वे किया जाए, हालांकि भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया था, तो संचारी रोग के निदेशक AK सिंह ने सभी अस्पतालों को निजी पैथोलॉजी को यह आदेश जारी कर दिया है कि वहां पर कोविड की तर्ज पे एक जांच की वो बनाए और पूरी रूपरेखा और उसको पूरे स्वास्थ्य निदेशालयों के स्तर पर उससे पता लगेगा कितने मरीज अब तक डेंगू से मिल चुके। फिलहाल अभी सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो 14,000 से ऊपर मरीज पूरे प्रदेश में है, लखनऊ में 46 मरीज की पुष्टि आज हुई है, 8 मौतें बताई जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो मुख्य चिकित्साधिकारी है वो 3 मौतों की पुष्टि कर रहे हैं। जी रितेश, जिस तरह डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया था कि एक अस्पतालों में डेडिकेटेड रूम बनाया जाए, इसको लेकर कैसे काम किया जा रहा है? देखिए काम इसका भी चल रहा है, लोगों को अस्पताल में बनाया गया, डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया, वहाँ पे बेड फुल, क्योंकि डेंगू से ज्यादा बुखार के भी पेशेंट पहुंच रहे हैं अस्पतालों में, जिसकी वजह से अस्पताल कचाखच भरे हुए हैं। अब इलाज लोगों को इलाज चाहिए तो सरकारी अस्पताल बने हैं तो लोग निजी अस्पताल की तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। हालांकि पैनिक होने की जरूरत नहीं, लगातार स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को कह रहा है कि लोग पैनिक ना हो, हर बुखार डेंगू नहीं हो सकता है, तो उसके विशेष सावधानी बरते, 3 दिन बुखार आने पर लगातार एक वायरल फीवर भी चल रहा है तो उसके पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, पहले जांच कराएं उसके बाद पैनिक हो उसके बाद फिर इलाज कराएं। इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं तो की गई है लेकिन चरमराई हुई है, इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सरकार को सुधारना चाहिए, कोरोना से सबक लेना चाहिए, कोविड में किस तरीके से हालत पूरे देश के खराब हुए थे,
अब तो दिल्ली से हालत खराब हो रहे हैं लखनऊ राजधानी के, जब लखनऊ राजधानी का ये हाल है तो सोचिए आम छोटे शहरों का क्या हालत होगा। तो इससे स्वास्थ्य विभाग को सीख लेना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री हमारे ब्रिजेश पाठक जी भी लगातार क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, अस्पतालों का अपने मातहतों को निर्देश भी दे रहे हैं, जारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह जरूर नजर आ रही है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं